नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। सावन का पावन महीना चल रहा है और ऐसे में जो बाबा भोलेनाथ के भक्त हैं वो भोलेनाथ की विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं। बता दें कि ऐसे तो बारहों मास बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन जो सावन का महीना होता है वो विशेष रूप से बाबा भोलेनाथ को समर्पित होता है। और कहा जाता है कि जो बाबा के भक्त होते हैं अपने अपने तरीके से बाबा का दर्शन और पूजन करते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे मंदिर की जहाँ पे एक साथ 11 शिवलिंग विराजमान है और विदेश से भी भक्त वहां पे बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। मधुबनी में राजनगर प्रखंड के मगरौनी गांव स्थित एकादश रुद्र शिवालय श्रद्धालुओं के असीम आस्था का केंद्र रहा है। एकादश रुद्र शिवलिंग की चमक भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है। देश दुनिया में प्रसिद्ध एकादश रुद्र शिवालय में महाश्रृंगार अनुष्ठान में बड़ी संख्या में भक्त हिस्सा लेते हैं। वर्ष 1953 में मंगरौनी के प्रसिद्ध तांत्रिक पंडित मुनीश्वर झा द्वारा एकादश रुद्र की स्थापना की गई। एकादश रुद्र शिवालय पर कांची पीठ के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जगन्नाथ पीठा श्रीधर शंकराचार्य निश्रलानंद सरस्वती भी पहुंच चुके हैं। इस परिसर में माता भुवनेश्वरी का मंदिर स्थापित है। मंदिर परिसर में वर्ष 2021 में पंडित मुनीश्वर झा की प्रतिमा स्थापित की गई। बता दें कि सावन की हर सोमवारी पर पिपरा घाट स्थित संगम तट से हजारों कांवरिया जल लेकर एकादश रुद्र शिवालय पहुंचते हैं। सोमवारी पर जिले भर से श्रद्धालु शिवालय पहुंचते हैं। रुद्राभिषेक अनुष्ठान में श्रद्धालु शामिल होते हैं। भंडारा का आयोजन भी किया जाता है। जिला मुख्यालय से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर एकादश रुद्र शिवालय जिले के विभिन्न हिस्सों से सड़क मार्ग से पहुंचा जा सकता है। रेल मार्ग से मधुबनी रेलवे स्टेशन उतरना होगा। रेलवे स्टेशन से रिक्शा और टू ई रिक्शा से शिवालय पहुंचा जा सकता है। आसपास के लोग यहां पैदल चलकर ही पहुंच जाते हैं। बता दें कि पुजारी बाबा आत्माराम बताते हैं कि एकादश रुद्र शिव भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। शिवालय के सामने पवित्र सरोवर का मनोरम दृश्य भक्तों को आनंदित करता है। यहां साल भर दूर दूर से भक्त आते हैं। शिव भक्त ऋषिनाथ झा ने कहा कि एकादश रुद्र के दर्शन मात्र से भक्तों का शारीरिक मानसिक पीड़ा दूर होने लगता है। प्रत्येक सोमवार को संध्या काल में श्रृंगार अनुष्ठान की अद्भुत छटा देखने को मिलती है। श्रद्धालुओं को शिव आराधना में लगे रहना चाहिए। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।